स्टार्ट करते हैं बच्चों, चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर 1 का नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखो, मैं पहले से यहाँ पे क्लियर कर दूं, मेरी जो टीचिंग है ना, वो 2 क्वेश्चंस पे डिपेंड कर रही होती है। जब भी मैं कोई नया टॉपिक पढ़ाता हूँ, अब कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों ने पहले नहीं पढ़े होंगे, मुझे नहीं पता मैट्रिक में है या नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी टॉपिक जब पहली दफा पढ़ो, तो अपनी हैबिट ये बना लो कि अपने टीचर से 2 सवाल पूछो। पहला सवाल कि सर हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब जरूरत क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर की। फॉर एग्जाम्पल, रियल नंबर जो होते थे वो काफी थे, कॉम्प्लेक्स को पढ़ने की क्या जरूरत है। अच्छा, पहला सवाल ये होना चाहिए। जब आपको जरूरत समझ आ जाए ना कि ये जरूरत ठीक, ये जरूरत थी जिसके तहत हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, अगर ये अब आप समझ आ जाए आपको, फिर दूसरा सवाल आपका ये होना चाहिए कि उस जरूरत को कॉम्प्लेक्स नंबर ने कैसे पूरा किया है। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या कॉन्सेप्ट है। जो भी टॉपिक आप पढ़ो ना नया, तो आप तो पहले देखो कि इस टॉपिक को हम इंट्रोड्यूस क्यों कर रहे हैं, और दूसरी बात ये पूछो कि यार अच्छा, इस टॉपिक ने कैसे हमारी हेल्प की है। तो ये 2 बहुत बेसिक सवाल हैं जो स्टूडेंट के जहन में आने चाहिए। सही, अब वही सवाल है कि भाई चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर को थोड़ा साइड पे हम करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रियल नंबर्स की, क्योंकि रियल नंबर्स नहीं पता होंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे पता होंगे। तो कोई स्टूडेंट मुझे यहाँ पे बता सकते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं? जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, नहीं, ये रैशनल नंबर वही हो गए। नंबर, नेचुरल नंबर, या रैशनल नहीं, कंप्लीट नहीं है। सही है, नंबर। माइक नहीं, रैशनल नंबर कोई ना, कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। इरेशनल नंबर भी रियल होते हैं, मैं बता देता हूँ। नंबर इज हाँ, रियल नंबर। एवरी नंबर इज रियल नंबर। यार मजा नहीं है डेफिनेशन के अंदर, मैं बता देता हूँ। सर इसमें हमारे देखो, पास रेशनल भी होते हैं, इरेशनल भी होते हैं, इंटीजर्स भी होते हैं। हाँ तो सर जितने भी हाँ नंबर्स हैं जो हमारे पास डेली लाइफ में, मतलब जो हम यूज करते हैं, सही, एडजस्ट समझ करते हैं गया, मैं हमारे समझ गया। यार तुम्हारे बैकग्राउंड में शोर बढ़ाते हैं, खैर समझ गया, बिल्कुल सही तूने बताया। देखो, एक तो है ना कि रियल नंबर के अंदर आते कौन कौन से नंबर हैं। अच्छा, ऑफ कर लो माइक्रोफोन। एक तो ये होता है ना कि रियल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं, तो वो तो मेरे ख्याल में आप सबको पता है कि रियल नंबर में कौन कौन से नंबर आएंगे। उधर आपका माइक्रोफोन ऑन है, सही है, बहुत हो गया। रियल नंबर में कौन कौन से नंबर आएंगे? रियल नंबर में रैशनल नंबर आते हैं। मैं एक ट्री डायग्राम आप लोग को थोड़ी बना देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये है रियल नंबर, ठीक है। अब रियल नंबर में कौन कौन से आते हैं? रियल नंबर में एक होते हैं रैशनल नंबर्स और एक होते हैं इरेशनल नंबर्स। अब सवाल ये है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? किसी को डेफिनेशन पता है रैशनल नंबर की? मैं बता देता हूँ भाई, रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सको, इस तरीके से कि फॉर एग्जाम्पल, ऐसे नंबर्स जिनको आप, एक स्टूडेंट ने बताया था, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आप लिख सको, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सको, इस तरीके से कि जो आपका न्यूमरेटर है और जो आपका डिनोमिनेटर है, ये दोनों बिलोंग करने चाहिए इंटीजर से। ये जो मैंने ई लिखा है ना, इसका मतलब होता है बिलोंग्स। ये अपने पास नोट कर लेना सब। अच्छा, रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी बाद में, ठीक है, आज नहीं मिलेगी लेकिन इंशाल्लाह बाद में मिल जाएगी। तो अगर आप लोग फिलहाल ये कोशिश मत करना कि बस हम कॉपी कर लें, जल्दी से मिस ना हो जाए, आप लोगों को बाद में रिकॉर्डिंग में दे दूंगा। मैंने वही बात बोली है, मैं डिपेंड देखूंगा, अगर आप लोगों की अटेंडेंस अच्छी है तो मैं सबको रिकॉर्डिंग दे दूंगा। तो ऐसे ज्यादा नोट करने की जरूरत नहीं, मिल जाएगी आपको रिकॉर्डिंग, समझ लो बात को। रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो, इस तरीके से कि जिनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। इस सिंबल को हम कहते हैं बिलोंग्स टू, मतलब पी और क्यू बिलोंग करना चाहिए किससे? इंटीजर से। जेड का मतलब इंटीजर होता है। सब नंबर्स के ना सिंबल होते हैं। अब अगेन वही बात, चैप्टर 1 आप लोगों की बुक में सेट होना चाहिए, वो इन्होंने दिया हुआ नहीं है। तो जैसे आपने पढ़े होंगे ना नंबर्स, एक होते हैं नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स का सिंबल क्या होता है? एन। फिर आपने पढ़े होल नंबर्स, होल नंबर्स का सिंबल क्या होता है? डब्ल्यू। फिर आपने पढ़े हैं इंटीजर्स, इंटीजर्स इंटीजर्स ही बोलते हैं, इंटीजर्स का सिंबल क्या होता है? जेड। इंटीजर्स का सिंबल आई नहीं होता। फिर आपने पढ़े हैं रैशनल नंबर्स, तो रैशनल नंबर्स का सिंबल क्या होता है? क्यू, याद रख लेना। फिर है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर का सिंबल होता है क्यू प्राइम, या इसको ना आई भी लिख सकते हैं, एक ही बात होती है। अच्छा, आप लोगों ने मैट्रिक में सेट का पोर्शन तो पढ़ा हुआ है ना?
तो यूनियन इंटरसेक्शन ये तो आता है ना सबको, यूनियन कैसे लिखते हैं, इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, ये पता है सबको? जी सर। अच्छा बाकी भी जवाब दे दिया करो ताकि पता चले कि पता है नहीं बाकियों को भी। पता है सर, इंटीजर क्या होता मैं बताता हूँ, मैं बाकी नंबर बताता हूँ। मैं बेसिक बात पहले हम डिस्कस करें ना, तो इरेशनल नंबर का सिंबल देख लिया, और जो रियल नंबर है ना इसका सिंबल ही आर होता है, थोड़ा स्टाइलिश सा आर लिखा होता है उन्होंने। तो ये नंबर्स के पहले सिंबल हमें देख लिए। अब रैशनल नंबर को समझने से पहले पहले ये बच्चों वाले नंबर समझ लो। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स जल्दी आप लोग बताओ, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? है जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से एक्सीलेंट है, स्टार्ट, वन से स्टार्ट हो रहे हैं और चलते जा रहे हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं? जीरो से जीरो स्टार्ट से होते हैं। स्टार्ट हो रहे हैं भाई, और इनफाइनाइट तक जाते जा रहे हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर, प्लस 0। एक्सीलेंट भाई। इंटीजर्स के अंदर तीन किस्म के नंबर्स आते हैं। एक होते हैं नेगेटिव नंबर्स, और लिखने का तरीका डिफरेंट होता है, आप इस तरह भी लिख सकते हो जैसे 0, 1, 2, 3 और -1, -2, -3, इस तरह आप इस तरह लिख दो। अगर आप ऑब्जर्व करो ये इंटीजर्स का सेट है। कैसे? इंटीजर्स में नेचुरल नंबर आ गए, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, इंटीजर्स में नेगेटिव नेचुरल नंबर आ गए सारे, और इंटीजर में 0 आ गए। ये सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। इंटीजर्स को आप इस तरह समझ सकते हो कि पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, ऐसे जो फ्रैक्शन में ना हो, डेसिमल में ना हो, सिंपल इस तरह लिखे हैं आपने, तो और 0 शामिल कर दो आप, तो ये सब नंबर्स क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, रैशनल इरेशनल की मैं डेफिनेशन यहीं पे बता रहा हूँ। तो रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो इस तरीके से कि न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा -1/2, अब देखो -1 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है। अच्छा 4/5, अगेन 4 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, और फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है तो ये रैशनल है। अच्छा अगर मैं आप लोगों के सामने ये लिखूं, अच्छा पहले तो जहन में रखो कि जो मशहूर इरेशनल नंबर होते हैं ना, इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में ना लिख सको इस तरीके से कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपका इंटीजर ना हो। फॉर एग्जाम्पल पहले तो ये समझ लो कि जितने रूट वाले नंबर होते हैं जैसे √2, √3, √5, जिन रूट्स को आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते ना, चाहे वो स्क्वायर रूट हो चाहे क्यूब रूट हो, कोई भी आप ले लो, वो सब क्या होते हैं? इरेशनल होते हैं। ये बात याद रख लेना, जितने रूट वाले नंबर्स होते हैं ना, चाहे स्क्वायर रूट हो क्यूब रूट हो कोई भी रूट हो, वो सब नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं। और इसी तरह ये वाला नंबर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ, मुझे बताओ ये √2/3 जो है ये इरेशनल क्यों है? मतलब इसको मैंने फ्रैक्शन की फॉर्म में तो लिखा हुआ है। क्योंकि सर √2 सॉल्व नहीं हो सकता। अंडर रूट्स टू हाँ क्योंकि लिखेंगे डेफिनेशन क्या थी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, लेकिन ये आधी बात है। कंप्लीट बात क्या है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो न्यूमरेटर आपका इंटीजर ही नहीं है, √2 इंटीजर तो ही नहीं होता, √2 तो एक पॉइंट में वैल्यू आ रही होगी पूरी, वो इंटीजर तो नहीं है। इसका मतलब ये वाला नंबर भी क्या कहलाया जाएगा? इरेशनल कहलाया जाएगा। इसी तरह कुछ मशहूर इरेशनल नंबर्स हैं जैसे पाए, पाए जो है वो भी एक इरेशनल नंबर है। इसी तरह सेकेंड ईयर में आप लोग पढ़ोगे ई, मे बी फर्स्ट ईयर में आपको ई पढ़ने का मौका मिल जाए। पाए की वैल्यू होती है 3.14 समथिंग कुछ होती है, इसी तरह ई की वैल्यू भी 2.71 और चलती जाती है। ये सब नंबर्स भी क्या है? इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है। अच्छा मेरा एक सवाल है यहाँ पे, आप लोग ने ये छोटी क्लासेस में ये बात पढ़ी थी कि पाए बराबर होता है 22/7 के, ये पढ़ी भी सबने बात? जी यस सर। सर। सही, तो फिर पाए जो है वो तो रैशनल होना चाहिए क्योंकि पाए को तो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसकी कंप्लीट वैल्यू नहीं है ना इसको डिवाइड करने के बाद, इसलिए रेशनल। कंप्लीट वैल्यू नहीं है क्या? मतलब भाई पाए अगर 22/7 के बराबर है तो फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है फिर? नहीं, इसको डिवाइड करने के बाद पूरी पूरी वैल्यू नहीं आती ना, पूरी पूरी वैल्यू का क्या मतलब होता है? मतलब इन्फिनिटी इन चलती इनफिनिटी जाती है। तक, इनफिनिटी हाँ बोलो कुछ कह चलती रहे हैं? जाती है, चलती इकट्ठी जाती है। चलती है। अच्छा पहले एक मुझे बात बताओ, मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बताई कि फ्रैक्शन की फॉर्म में होना चाहिए, तो पॉइंट को भी छोड़ दो ना, फ्रैक्शन की फॉर्म वाली डेफिनेशन देखो, पॉइंट वाली पे आते हैं। मैंने अभी कोई पॉइंट वाली डेफिनेशन नहीं बताई कि अगर कोई डेसिमल लिखा हो तो कौन सा रैशनल होता है कौन सा इरेशनल होता है, उसको छोड़ दो अभी। फ्रैक्शन वाली जो डेफिनेशन बताई है ना कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर है, तो फिर तो इसके मुताबिक रैशनल होना चाहिए।
इस बात से सब एग्री करते हैं या नहीं? सर देखो मसला पता है क्या है, असल मसला ये कि आप लोगों ने चीज ही गलत पढ़ी है, और यही असल मसला है। वो ये है कि पाए कभी भी बराबर नहीं होता 22/7 के, ये न्याय इनके साफ हुआ होगा आप लोगों से। पाए, हाँ, पाए इज नॉट इक्वल टू 22/7। पाए जो है ना वो अप्रोक्सीमेटली है, अप्रोक्सीमेटली का सिंबल इस टाइप का होता है। अगर आपको ज्यादा ऑब्जर्व करना है ना, अपना कैलकुलेटर निकालो, कैलकुलेटर में पाए दबाओ और इक्वल का बटन दबाओ, देखना पाए की कुछ वैल्यू आ रही होगी, 3.14 समथिंग कुछ पॉइंट्स में वैल्यू आ रही होगी। फिर क्या करना, कैलकुलेटर में 22/7 लिखना, इक्वल का बटन दबाना, पॉइंट में निकालना उसको। इसकी 3.14 समथिंग वैल्यू होगी, लेकिन 4-5 डेसिमल के बाद आप ऑब्जर्व करोगे इसके अलग है और इसकी वैल्यू अलग होगी। अब दोनों की वैल्यू निकाल के देख लेना। बल्कि मेरे पास कैलकुलेटर है ना, मैं आप लोगों को एक्सपेरिमेंट करके दिखा देता हूँ। अच्छा ऑन क्यों नहीं हो रहा, मैं कैलकुलेटर ही ऑन नहीं हो रहा। हाँ हो गया। अच्छा ये देखो पाई की वैल्यू जो है ना, पाई की वैल्यू क्या आ रही है, 3.14592। कंसीडर कर लो मैं 6 डेसिमल प्लेसेस तक लिख रहा हूँ, और अब हम लिखते हैं 22/7। 22/7 की वैल्यू क्या है, 3.142857। आप देखो 1/4 तक सेम है, लेकिन अब इसका क्या है 2857, इसका क्या है 1592। तो यहां से आप ये बात ऑब्जर्व कर सकते हो कि पाई 22/7 के बराबर नहीं होता। इसका मतलब पाई को आप फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये एक इरेशनल नंबर ही होगा। पाई को फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते आप। हाँ अप्रोक्सीमेटली इस फ्रैक्शन के बराबर है। क्यों हम यूज करते थे, इसलिए क्योंकि ये जो वैल्यूज है ना इसमें इतना फर्क नहीं है, तो कभी आपको सिंप्लीफिकेशन करने में आसानी होती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिखा जाए, फॉर एग्जाम्पल आपको बोला जाए कि बताओ 7 पाई की वैल्यू क्या है। अब देखो पाए पॉइंट में है, कैलकुलेटर के बगैर आपके लिए बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप क्या करो, आप पाए की जगह यूज कर लो 22/7। तो अब आपके लिए आंसर बताना थोड़ा इजी है कि आंसर क्या होगा 22, ठीक है। लेकिन 22 आंसर आएगा नहीं इसका, अप्रोक्सीमेटली 22 के बराबर होगा। क्यों, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी हमारी इससे। तो बचपन में जो आपने पढ़ा उसका मकसद बस यही था कि कैलकुलेशन आपकी थोड़ी इजी हो जाए, वरना पाए अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है, इक्वल नहीं होता। तो ये बात आप लोगों ने जहन में रखनी है। तो पाए भी होता है इसी तरह, ई अभी है नहीं, ई के बारे में फिर कभी पढ़ लेंगे हम। अब जरा डेसिमल फॉर्म में, और फ्रैक्शन फॉर्म में तो हमने देख लिया कि अगर फ्रैक्शन फॉर्म में है तो रैशनल, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते तो इरेशनल। अगर आप डेसिमल की बात करो ना, तो डेसिमल की 3 कैटेगरीज आपको नजर आएंगी। अच्छा हाँ 22/7 रैशनल है बिल्कुल। क्यों, क्योंकि आपने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर है। क्या 2/1 ये कह रहे हो? जी हाँ, जितने रैशनल नंबर्स है ना इनमें सारे नेचुरल नंबर आते हैं, जितने नेचुरल हैं, जितने होल हैं, जितने इंटीजर हैं, सब रैशनल नंबर आते हैं। क्यों, इन सबको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो। आपने खुद ही बता दिया कि बिल्कुल, अगर आपके पास 2 लिखा हुआ है आप लिख दो 2/1, फ्रैक्शन बन गई ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर है। तो जितने भी इंटीजर्स हैं, जितने भी नेचुरल, जितने भी होल हैं, सब रैशनल होते हैं। ये तो कंफर्म है, ये लिख लो यहाँ पर बात, कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि नेचुरल हो गए, होल नंबर हो गए, इंटीजर्स हो गए, ये सब तो होते ही होते हैं, इनमें तो कुछ शक ही नहीं है। इसको पता नहीं कहाँ चला गया है। खैर चलो छोड़िए। अच्छा अब आ जाओ कि बिलफर्ज अगर आपके पास डेसिमल लिखा हुआ है, डेसिमल से कैसे पहचानते हो? देखो डेसिमल की 3 कैटेगरी होती है, गौर से समझ रहे हैं इस बात को, आगे कंफ्यूजन नहीं होगी। ये रैशनल और इरेशनल नंबर के दरमियान वो कंफ्यूजन है जो बड़े बड़े लेवल के बच्चों को भी समझ नहीं आ रही होती, तो अभी से समझ लो बेहतर। अगर आप पॉइंट की बात करो ना, तो 3 किस्म के डेसिमल हैं। सबसे पहले वो जो खत्म हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1.2 -3.4। अगर आप इन डेसिमल्स को देखो, ये खत्म हो गए, 1.2 खत्म हो गया, आगे नहीं चल रहा, तो -3.4 खत्म हो गया। तो ऐसे डेसिमल जो खत्म हो जाए, जैसे ये खत्म नहीं हो रहा है, देखो डॉट 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 का मतलब होता है आगे जाना, तो अगर डेसिमल के सामने आप देखो डॉट 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 लिखा हुआ है, इसका मतलब वो खत्म नहीं हो रहे, लेकिन अगर वो खत्म हो जाए तो वो रैशनल है। तो पहली कैटेगरी मैंने क्या बताई है, इसको आप बोलते हो इंग्लिश में, इसके लिए वर्ड यूज होता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब खत्म हो जाना। तो ऐसे डेसिमल्स जो के टर्मिनेटिंग हो, मतलब जो खत्म हो जाए, तो वो क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। अब दूसरी किस्म पे आ जाओ, अब इनको जरा देखो, 2.333, 1.7444। अब इनके बारे में जरा पढ़ते हैं। अगर आप इसमें ऑब्जर्व करो, ये डेसिमल्स खत्म नहीं हो रहे,
अगर आप देखो इनके आगे डॉट 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 लगा हुआ है, मतलब ये पैटर्न चलता जा रहा है। क्या पैटर्न है? 3 3 3 बार बार आप देखते जाओ। इसी तरह 1.74444 तो अब डॉट का मतलब कि 4 4 आप लिखते जाओ, इसका मतलब ये खत्म तो नहीं हो रहे। तो इनको क्या बोलोगे आप? नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन आपने बात ऑब्जर्व की है कि ये खत्म तो नहीं हो रहे, लेकिन इसके अंदर क्या आपको एक चीज नजर आ रही है? तो खास बात नजर आ रही है इन दो के अंदर? रिपीट हो रहा है, ठीक है। एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। हाँ, इसको हम बोलते हैं रिपीट होना। तो इसका मतलब अगर आपके डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब खत्म नहीं हो रहे वो, लेकिन रिपीटिंग हो वो। अगर खत्म नहीं हो रहे कोई इशू नहीं है, लेकिन वो रिपीट होने चाहिए। तो अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग हो और साथ साथ वो रिपीटिंग हो, तो अब भी वो रैशनल कहलाए जाएंगे। क्यों? खत्म नहीं हो रहे कोई मसला नहीं है, लेकिन रिपीट तो हो रहे ना, उनको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। जितने आपके जो है ना, इन सबको फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। अब मैं उस तरीके में जाना नहीं चाह रहा, लेकिन वो बहुत ही टॉपिक से हट जाएगा। ये सब फ्रैक्शन की फॉर्म में आ सकते हैं, जितने भी डेसिमल मैंने लिखे हैं इन सबको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो जो भी टर्मिनेटिंग है वो तो रैशनल है, जो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन वो रिपीट हो रहे हैं तो वो भी रैशनल कहलाए जाएंगे। तीसरी कैटेगरी क्या है? तीसरी कैटेगरी ये है, जैसे मैंने लिखा है आप लोगों के सामने। अब देखो देखो, डॉट 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 लगाने से पहले आपको कोई पैटर्न नजर आना चाहिए, लेकिन यहां मैं जब मैं डॉट लगा उससे पहले आपको कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा। 3 4 5 आपको नजर नहीं आ रहा कोई यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो इस टाइप के नंबर्स हो गए, या बिल्फर्स 2.45621 डॉट डॉट डॉट। इसमें देखो, अगर आप इसमें ऑब्जर्व करो, पहली बात ये खत्म नहीं हो रहे तो आप बोलोगे नॉन टर्मिनेटिंग, और दूसरी बात कि रिपीट भी नहीं हो रहे तो आप क्या बोलोगे? ये एंड का सिंबल डालता हूँ, एंड नॉन रिपीटिंग। इसका मतलब वो खत्म भी नहीं हो रहे और साथ साथ रिपीट भी नहीं हो रहे। तो ऐसे नंबर जो हैं, ऐसे डेसिमल जो हैं, उनको आप क्या बोलोगे? वो इरेशनल है। अब मुझे बताओ, सबको क्लियर है यहाँ पे कि रैशनल और इरेशनल के दरमियान क्या डिफरेंस होता है? कोई कंफ्यूजन? बोलो जरा, हाँ ना कर लो। जी सही बोलिए करो, ताकि यार मैंने वही बात बताया, बोरियत भी ना हो और मुझे यकीन भी हो जाए कि हाँ यार बातें समझ आ गई हैं बच्चों को। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है? सर, ऐसे हो हाँ वन बोलो। पॉइंट थ्री फोर फाइव वन पॉइंट सॉरी 1.45 3 4 5 3 4 5 हाँ देखो, अब एक चीज होती है, जैसे ये जो मैंने लिखा हुआ है ना 2.333 और डॉट लगाया हुआ है, इसकी कॉन्नोटेशन भी होती है। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, जब भी डेसिमल के बाद ऊपर बार लगी हुई हो ना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि 3 रिपीट हो रहा है। इस चीज का मतलब ये है 2.333, मतलब ये खत्म, ये मत समझना कि ये डेसिमल खत्म हो गया, नहीं। ये इस बार का मतलब होता है कि रिपीट हो रहा है और ये खत्म नहीं हो रहा, ये बार बार 3 रिपीट हो रहा है। सही, तो एक नोटेशन इस तरह भी हो सकती है। अब बिलफर्ज अगर आपके पास लिखा हुआ है 1.345 और डॉट 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 लगा दिया जाए, इसका मतलब आप इसको एज्यूम करोगे कि इसमें कोई रिपीटेशन नहीं है। लेकिन अगर इसके ऊपर ये चीज लिख दी जाए, अब इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब यह है कि है तो ये खत्म नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है। कौन रिपीट हो रहा है? जिसके ऊपर बार है, मतलब 3 4 5 ये सब रिपीट हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? 1.345 3 4 5 3 4 5, ये पूरा रिपीटेशन। अब ये जो है ये रैशनल कहलाया जाएगा, क्योंकि खत्म तो नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है। तो अगर ये बार लगा दी जाए तो समझ जाओ हाँ यार ये बताना चाह रहे हैं कि रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने कोई बार नहीं लगाई। इवन अगर मैं इतना भी लगा देता, फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 के ऊपर अगर बार लगा देता तो अब ये रैशनल बन जाता। क्यों? इसका मतलब क्या था? 1.34 और बार किसके ऊपर है? 5 के ऊपर। तो 5 5 5 5 ऐसा अभी भी रैशनल होता है। लेकिन जब मैंने इसको यहाँ पे कोई ऐसा लगाया नहीं है ना, इसका मतलब ये जो है रिपीट नहीं हो रहा और खत्म भी नहीं हो रहा, दैट्स व्हाई ये आप क्या बोलोगे इसको? इरेशनल। क्लियर है? जिन्होंने सवाल पूछा था। अच्छा जी, तो नंबर्स का ना देख ले थोड़ा। अच्छा अब आ जाओ बच्चों, ये तो बेसिक सी बातें थी, क्योंकि आप लोगों की बुक में ये चैप्टर्स को स्किप करवा दिया गया है, लेकिन ये बातें बच्चों को पता नहीं है, तो मेरे लिए कुछ पुरानी बातें बताना जरूरी है। तो नंबर्स के बारे में हमने अभी तक देख लिया, रियल नंबर्स की मैं बात कर रहा था ना, तो रियल नंबर्स के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से नंबर आते हैं, तो आप लोग क्या बोलोगे? रियल नंबर के अंदर रैशनल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर के अंदर इरेशनल नंबर होते हैं। अब बिलफर्ज अगर आपसे क्यों पूछ लें कि भाई रैशनल नंबर के अंदर कौन से नंबर होते हैं, तो आप बोलोगे भाई रैशनल नंबर्स के अंदर नेचुरल भी होते हैं
रैशनल नंबर के अंदर होल नंबर भी आते हैं, रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर्स भी आते हैं, आप इसको डिटेल में बता दोगे। इसी तरह और भी मैं आप लोगों को एक टेबल बनाऊंगा, अभी मैंने फिलहाल टेबल नहीं बनाया, एक ट्री डायग्राम नहीं बनाई, जब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा दूंगा ना फिर मैं एक ट्री डायग्राम बनाऊंगा जो बुक में भी उन्होंने लिखी हुई है, उसमें थोड़ा और मैं अच्छा समझा दूंगा। तो कहने का मतलब रैशनल के बारे में आपसे कोई पूछे डेफिनेशन तो मैंने बता दी है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कौन कौन से नंबर आते हैं तो आप बोलोगे भाई नेचुरल भी आते हैं, होल भी आते हैं, इंटीजर भी आते हैं, ये सब नंबर आते हैं। अच्छा, आप लोगों ने बेसिक मैथ में अलजबरा में एक नंबर पढ़ा था, मैं पूछता हूँ किसको याद है, वो थे प्राइम नंबर्स। याद है किसी को प्राइम नंबर्स क्या होते थे? सर बोलिए। तो 1 से और अपने डिवाइड होते हैं, आई थिंक। हाँ एक्सीलेंट, बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा तो आप मजीद कोशिश करो, शायद आप बता दो कि पहला प्राइम नंबर कौन सा है। टू एक्सीलेंट भाई, देखो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको आप ये समझ लो कि जो अपने टेबल में आते हैं, मतलब जिनके दो फैक्टर होते हैं। अब ये फैक्टर का मतलब आप लोगों को शायद अभी समझना है, आप लोगों की बुक में इक्वेशन का पोर्शन भी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन था वो, तो मैंने अब रियलाइज किया आप लोगों की बुक में इक्वेशन का कोई पोर्शन ही नहीं है। इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हुआ करते थे लास्ट बुक में। अच्छा आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा है मैट्रिक में कुछ है? नहीं, क्वाड्रेटिक जी सर, पढ़ा है। इक्वेशन, चलो उससे काम हो जाएगा थोड़ा, लेकिन आप लोगों ने इतनी डिटेल में पढ़ा नहीं होगा, रिवाइज तो मुझे करवाना पड़ेगा उसका। चलो देखिए वक्त आएगा करवा देंगे। प्राइम नंबर आप ये समझ लो कि जिनके दो फैक्टर हो, मतलब वो नंबर्स या तो अपने टेबल में आते हो या वन के टेबल में आते हो। सिंपल लैंग्वेज, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप 3 को देख लो तो 3 को मैं एक ही तरीके से लिख सकता हूँ, कैसे, 1 मल्टीप्लाई 3। 3 को लिखने का और कोई तरीका नहीं है। जिनको आप ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सको ना, उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं फैक्टर, ठीक है। फैक्टर का मतलब क्या होता है, जिनको आप इस तरह मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखो, ये समझ। वैसे तो मतलब ये होता है कि जब दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करो और जो तीसरा नंबर आ रहा है, तो हम ये बोलेंगे कि 1 और 3 फैक्टर हैं इस वाले नंबर के। तो 3 के 2 ही फैक्टर हैं, एक 1 है और एक 3 है। अच्छा इसी तरह फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2 को पिक कर लो, 2 को एक ही तरीके से लिख सकते हो, 1 मल्टीप्लाई 2। इसका मतलब 2 के कितने फैक्टर हैं, 1 और 2, मतलब 2 फैक्टर हैं। बिलफर्ज अगर मैं आपको बोलता हूँ मुझे बताओ 5 के फैक्टर, तो 5 के अगेन 2 ही फैक्टर हैं, 1 और 5। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ मुझे 17 के फैक्टर बताओ, तो 17 के भी 2 ही फैक्टर हैं, 17 को और किसी तरीके से नहीं आप लिख सकते। तो ऐसे नंबर जिनके दो फैक्टर्स हों, उन नंबर्स को आप क्या बोलते हो, प्राइम नंबर। और जिन नंबर, अच्छा 1 जो है वो 1 प्राइम नंबर नहीं है, क्यों, क्योंकि 1 के 2 फैक्टर नहीं है ना। 1 को आप लिखोगे तो 1 को इस तरह लिख सकते हो, तो 1 का तो एक ही फैक्टर है, 1, 2 फैक्टर तो नहीं है उसके। इसका मतलब 1 को प्राइम नंबर कंसिडर नहीं किया जाता। तो पहला प्राइम नंबर क्या है, 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 11, 13, 17, इस टाइप के आ रहे हो। और प्राइम नंबर के अलावा एक नंबर होते हैं कंपोजिट नंबर जिनको हम कहते हैं, उनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। फॉर एग्जाम्पल 4 जो है, 4 के 3 फैक्टर हैं, एक 1 है, एक 2 है और एक 4 है। इसी तरह 6 को देख लो, 6 के 1 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, 6 भी फैक्टर है। तो ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, उनको आप क्या बोलते हो, कंपोजिट नंबर, ठीक है। अच्छा तो ये तो बेसिक बातें हो गई हैं, तो प्राइम नंबर हो गए, कंपोजिट नंबर हो गए, इसी तरह इवन ऑड नंबर आपने पढ़े थे, वो सब रैशनल नंबर के अंदर ही आएंगे। यहां तक किसी का सवाल, कोई समझला प्राइम है या कंपोजिट है? कौन कौन सा वन नंबर? 1 1 कुछ भी नहीं है भाई, कंपोजिट की डेफिनेशन ये है कि जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। 1 का तो एक ही फैक्टर है, तो 1 ना प्राइम है ना कंपोजिट है। पहला कंपोजिट जो है वो 4 से स्टार्ट होता है, 4 पहला कंपोजिट नंबर है, फिर आप 6 कह लो, फिर 8 हो जाएगा, जो भी है ये होता है, ठीक है। हाँ अब मुझे क्या पढ़ाना था, हाँ अब देखो थोड़ी बेसिक बातें डिस्कस करते हैं। नंबर्स के बारे में तो आप लोगों ने देख लिया ना, मैं आप लोगों को थोड़ी बेसिक बातें बताता हूँ। एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं कुछ एक एक्स्ट्रा बातें बताता हूँ। सर, बोर्ड की नीचे की लाइन नजर नहीं आ रही। नीचे की लाइन नहीं है भाई, यहाँ पे मतलब खत्म हो नजर गया ना नहीं, डेसिमल। टर्मिनल, वो टर्मिनेटिंग वाला जो वर्ड है ना, पूरा नजर नहीं आ रहा। ये वाला डेसिमल है तुम्हारी में नजर नहीं आ रहा, वैसे तो आना चाहिए बोर्ड में, नजर आ तो रहा है सामने, जी सबको सर, नजर नहीं आ नजर रहा क्या ये वाला वर्ड? रिपीटिंग पूरा वर्ड नजर नहीं आ रहा, रिपीटिंग पूरा वर्ड नजर नहीं आ यही रहा। वाला, ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग।
तो मैं कैमरा थोड़ा नीचे कर देता हूँ। हाँ सर, अब आ रहा है सर, वाह पर चलो नहीं आ सही रहा, आ रहा, आ रहा है। सही, आप ले लो स्क्रीनशॉट। सबने स्क्रीनशॉट ले लिया भाई? सर हाँ ना बोल दो, सब खामोश बैठे हो। लीजिए हाँ बस ये हाँ ना चलते रहना चाहिए क्लास के अंदर। ये क्लास ऐसी नहीं होनी चाहिए कि बस मैं ही बोल रहा हूँ क्लास के अंदर, मैं थोड़ा तो पीछे कर देता हूँ कैमरे को। हाँ अच्छा जी, कुछ मिटा देते हैं यहाँ पे। अब मैं आप लोगों को ना, क्योंकि आज की क्लास थोड़ी बेसिक ही है, असल तो हमने कल से भागना है, क्योंकि थोड़ा ताल्लुक बन जाए ना टीचर स्टूडेंट का। टीचर स्टूडेंट का ताल्लुक बहुत ही अजीब सा है, भाइयों बहनों वाला ताल्लुक रख लेते हैं ताकि बातें समझ आ जाए आसानी से। अच्छा जी, अब बिलफर्ज आप लोग आज के दौर में एग्जिस्ट करते हो, आजकल के दौर में आपको पता है कि सब होल नंबर क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर क्या होते हैं, फ्रैक्शन क्या होती है। जब ये मैथ इंट्रोड्यूस होती है ना, बहुत अरसे पहले, बीसी की बात कर रहा हूँ, 1000 हजार 5000 पता नहीं कब की बात है ये, जब शुरू में मैथ इन्वेंट हो रही थी, जो पहला नंबर इंसान को पता था ना वो था काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स किनको कहते हैं? नेचुरल नंबर्स को। काउंटिंग इसलिए बोला जाता है, आप काउंट क्या कर रहे थे, 1, 2, 10, 15, 100, इनको काउंटिंग नंबर बोला। बाकी नंबर जो इंट्रोड्यूस हुए हैं ना, ये अलजबरा जब आई है ना आपकी, तो अलजबरा की वजह से आपके बाकी नंबर इंट्रोड्यूस हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, कंसिडर कर लो अभी आप उस दौर में हो कि जिसमें आपको जस्ट नेचुरल नंबर्स के बारे में पता है, आपको किसी और नंबर के बारे में नहीं पता, आपको बस क्या पता है, 1, 2, 3, 4, 5, बस आपको ये पता है। तो अब मुझे कोई, अच्छा पहले तो मैं एक वैसे बात पूछ लूँ, आप बोलो जरा मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा इस इक्वेशन का। 2 2 टू होगा भाई, 1 को उधर ले जाते हैं सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3 - 1 = 2 होता है। अच्छा जी, अब अगर मैं आपसे बोलूं मुझे इस इक्वेशन का आंसर बताओ। जीरो जीरो तो नंबर ही नहीं है। अब मसला आप लोगों को समझ आएगा भाई, बिलफर्ज कंसिडर कर लो आपके पास जीरो एग्जिस्ट करता ही नहीं था, आप तो नेचुरल नंबर का आपको पता था, आपको तो किसी जीरो किसी और चीज का पता ही नहीं है आपको। लेकिन जब अलजबरा आई, आपने इस इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखा, तो अब आप इसका सॉल्यूशन क्या लिखोगे आप क्या इसका? क्योंकि आपको तो जीरो पता ही नहीं है, तो इसका मतलब आपको जरूरत पड़ी कि किसी और नंबर को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, वरना आप इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि आपको तो जस्ट नेचुरल नंबर पता था। तो इस तरीके से आपके पास एक नंबर आया जिसको हम क्या बोलते हैं, जीरो। कि अगर 1 में से या किसी भी नंबर में से उसको माइनस कर दो, पीछे क्या बचेगा, हमने बोला पीछे जीरो बचेगा। इस तरीके से आपने जीरो का इन्वेंट किया। बिलफर्ज अगर मैं आपको बोलूं कि यार मुझे बताओ इस इक्वेशन का आंसर क्या, क्या बोलोगे? -2 अब अगेन माइनस का तो पता ही नहीं है आपको, अभी तक आपने क्या निकाले, आपने होल नंबर निकाले, आपने 1, 2, 3 निकाला था, आपने जीरो निकाल लिया, आपको तो नेगेटिव का पता ही नहीं था। इसका मतलब अलजबरा की वजह से आपको नेगेटिव नंबर भी इंट्रोड्यूस करने पड़े। तो यहां से कौन से नंबर इंट्रोड्यूस हुए? इंटीजर्स। यही देखो आप ऑब्जर्व कहां से करो, अलजबरा ने आपकी कितनी हेल्प की, अलजबरा की वजह से आपने क्या इंट्रोड्यूस किया, नेगेटिव नंबर्स इंट्रोड्यूस हो गए। तो कहने का मतलब यहां तक मेरी बात सबको समझ आ गई है? अब सर। मसला क्या है, मसला खत्म नहीं हुआ यहां तक, मसला है कि आपके पास नेगेटिव नंबर्स आ गए थे। अब सवाल है कि बिलफर्ज अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, 2x = 3, क्या आंसर आना चाहिए इसका? 3/2 अगेन 3/2 के बारे में तो पता ही नहीं है आपको, आपके पास क्या मौजूद था, नेचुरल, होल, इंटीजर। अब आप इस इक्वेशन का कैसे जवाब दोगे? आप ये तो बोलोगे नहीं यार इसका जवाब एग्जिस्ट नहीं करता, आपको जवाब देना पड़ेगा। तो फिर यहां से आपने देखा कि आपके पास फ्रैक्शन वाले नंबर इंट्रोड्यूस हुए हैं, जिसको आप क्या बोलते हो, रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर जैसे नंबर्स होते हैं जिनको फ्रैक्शन की फॉर्म में आप लिख सकते हो, ये नंबर्स आपके पास इंट्रोड्यूस हो गए। ठीक है, अब यहां तक बिल्कुल आप आ गए। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करो, तो कोई स्टूडेंट मुझे बता सकते हैं इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, x² = 2 को क्या करें हम? दोनों तरफ एक्सेलेंट भाई, दोनों स्क्वायर तरफ रूट ऑन स्क्वायर रूट बोथ लेते साइड। हैं। हाँ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अच्छा ये वैसे जब भी आप स्क्वायर रूट लेते हो ना, तो प्लस माइनस लगाते हो, उसकी वजह ये होती है कि देखो यहाँ पे अगर मैं प्लस का नंबर पुट करूंगा उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होगा, अगर मैं नेगेटिव नंबर पुट करूंगा उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होता है। तो दैट्स वाई आप ये प्लस माइनस लगा रहे होते हो राइट हैंड साइड पे। x² का रूट x
और ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस टू। अगेन आपको तो रूट टू के बारे में पता ही नहीं है, आपके पास अभी कौन कौन से नंबर थे, आपके पास नेचुरल थे, होल थे, इंटीजर थे, रैशनल थे। रूट वाले नंबर क्या होते हैं? रूट वाले नंबर इरेशनल होते हैं। तो यहां से आपने देखा कि आपके पास इरेशनल नंबर भी इंट्रोड्यूस हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव सब आते हैं इसके अंदर, तो इरेशनल नंबर भी आ गए। तो कहने का मतलब रियल नंबर आपने निकाल लिए। अब सुन लो रियल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। ये तो आपने अभी देखा ना कि रियल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं। रियल नंबर की डेफिनेशन ये होती है, ऐसे नंबर जिनको आप डेसिमल की फॉर्म में लिख सको। बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन है। ऐसे नंबर जिनको आप डेसिमल की फॉर्म में लिख सको वो सब रियल होते हैं। और जितने नंबर आपने अभी तक पढ़े हैं वो सब रियल हैं। क्यों सबको डेसिमल की फॉर्म में लिख सकते हो? आप लोगों के जहन में आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल सर 3 है, इसको डेसिमल की फॉर्म में कैसे लिखो? लिख दिया डेसिमल की फॉर्म में। जितने नंबर आपने देखे हैं जिनको आप डेसिमल की फॉर्म में लिख सकते हो, उन सब नंबर को हम क्या बोलेंगे? रियल नंबर। तो नेक्स्ट टाइम को पूछे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, जस्ट ये बात बोलना है कि जिन नंबर्स को डेसिमल की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब वो अगर आपसे पूछे कि भाई कौन कौन से नंबर्स हैं जिनको डेसिमल की फॉर्म में लिख सकते हैं, आप बोलोगे हाँ। अब असल सवाल पूछा है, रैशनल नंबर्स हो गए, इरेशनल नंबर्स हो गए, नेचुरल, होल, इंटीजर, इन सबको डेसिमल की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये सब नंबर्स क्या है? रियल नंबर्स। रियल नंबर का कॉन्सेप्ट सबको समझ आ गया? कोई मसला? सर बाकी भी जरा बाकी भी आवाज सुना दिया करो यार आपने। सही है भाई। तो इसका मतलब आप लोगों की लाइफ आसान थी अभी, रियल नंबर्स के बारे में पढ़ लिया। अब उस सवाल पे मैं आ गया हूँ जिसमें मैं आप लोगों को लेके आना चाह रहा था। माइक्रोफोन ऑफ हो गया, सही है। तो वो सवाल क्या था कि मैंने आप लोगों से बोला था कि बताओ कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों पढ़ रहे हैं। तो अभी तक जब आपने सब चीजों को देखा, सब चीजों को आपने समझा, तो आप इस नतीजे पे पहुंचे हो कि यार अलजबरा की वजह से आपके पास नंबर इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो इसी तरह हम अलजबरा की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो मैं नहीं सॉल्व कर रहा था, कोई सॉल्व कर रहा था अलजबरा की इक्वेशन, और वो इस सिचुएशन पे आके फंस गया। सिचुएशन क्या थी कि एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। उस बेचारे ने क्या करना था? इस इक्वेशन को सॉल्व करना था। अब उसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? वो क्या करेगा? वो कहेगा भाई एक्स स्क्वायर जो है वो माइनस वन के बराबर है। और फिर क्या करना चाहिए उसको? उसको लेना चाहिए स्क्वायर रूट दोनों तरफ। और यहां पे आके वो फंस गया। क्यों फंसा? कोई बता सकता है क्यों फंसा वो? माइनस वन का स्क्वायर रूट। हाँ, वो ये वजह है कि स्क्वायर रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? आप लोगों का सवाल होना चाहिए। इसलिए नहीं आ सकता। स्क्वायर रूट का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट आपको, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 5 है, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। तो जब आप 25 का स्क्वायर रूट लेते हो ना, तो जो आपको आंसर देता है वो आंसर आपको क्या दे रहा होता है? वो आपको आंसर ये दे रहा होता है कि 25 किसका स्क्वायर है। तो आंसर में आपको 5 देता है। हाँ, 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है। इसी तरह बिलफर्ज अगर आपने स्क्वायर रूट के अंदर पुट किया 81, तो स्क्वायर रूट आपको आंसर में क्या देगा? स्क्वायर रूट आपको आंसर में देगा कि 81 किसका स्क्वायर है। तो 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 का होता है। तो स्क्वायर रूट आपको आंसर में क्या देगा? 9 देगा। तो इसी तरीके को आप उठा के लाओ यहाँ पे माइनस वन का। अगर इसी तरह फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बोलूँ कि 1 का स्क्वायर रूट बताओ, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा? भाई 1 किसका स्क्वायर है? 1 1 का स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर करते हो तो 1 आता है, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 1 के बराबर होगा। तो इसी तरह अगर मैं माइनस 1 का स्क्वायर रूट पूछूं, तो इसका मतलब माइनस 1 किसका स्क्वायर है? और माइनस 1 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है? अगर आप इस इक्वेशन से थोड़ा ऊपर जाओ तो यही है ना कि माइनस वन किसी नंबर का स्क्वायर है, मतलब एक्स का मतलब कोई नंबर होता है ना। अब ऐसा कौन सा रियल नंबर है जिसका स्क्वायर माइनस वन हो? ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है। क्यों? रियल नंबर के अंदर आपने बात पढ़ी थी कि जब भी किसी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करो या किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करो, आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है? ये तो सेंस ही नहीं बनाती बात। इसका मतलब कोई भी रियल नंबर इस बात को सेटिस्फाई नहीं करता। ये वो भी मसले जो मैंने शुरू में आपको बताए थे कि जब आपके पास जीरो नहीं आया था तो आपने बोला था यार इस इक्वेशन का हल क्या है, फिर आपने बोला चलो जीरो को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो वही चीज मैंने यहाँ पे बोली है कि माइनस वन जो है वो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन रियल नहीं है। तो रियल नंबर से हम बाहर निकल गए। अब हमने बोला क्या हल हम इसका निकालें यार, कोई हल होना चाहिए ना इसका। तो फिर हमने हल ये निकाला कि यार इसको हम अपनी तरफ से एक नया नंबर बनाते हैं। हम बोलते हैं कि ये जो स्क्वायर रूट माइनस वन है, अब हमें तो नहीं पता इसका आंसर क्या है, कोई रियल तो नहीं है, ठीक है। अगर आप इस इक्वेशन को देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस,
तो आपको नहीं पता है कि रूट माइनस वन क्या है, रियल तो नहीं है, तो आपने फिर इसको डिफाइन किया इस नंबर से, आपने लिखा आई, आपने बोला कि यार हम एक नया नंबर निकालते हैं जिसमें जैसे आपके रियल नंबर में वन होता है ना, इसी तरह इमेज, ये जो मैं नंबर लिख रहा हूँ ना इसको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। इमेजिनरी नंबर वो होते हैं कि यार जो एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब जिनको आप डेसिमल की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये इमेजिनेशन है आपकी, ठीक है। रियल नंबर को देख सकते हो ना, 2.5 3.5 बता सकते हो चाहिए, लेकिन इमेजिनरी नंबर ऐसे जिनको डेसिमल की फॉर्म में नहीं आप लिख सकते, जैसे रूट माइनस वन जो है इसकी कोई डेसिमल फॉर्म नहीं है। तो आपने फिर एक नया नंबर निकाला जिसमें आपने बोला कि जो स्क्वायर रूट माइनस वन है ना वो आई के बराबर है। इस आई का नाम होता है, क्या बोलते हैं हम इसको, आयोटा। तो इस तरीके से आपके पास एक नया नंबर्स इंट्रोड्यूस हुए, उन नंबर्स को आप क्या बोलते हो, इमेजिनरी नंबर्स। जैसे आपके पास रियल नंबर में वन जो है ना उसको आप यूनिट बोलते हो ना, यूनिट बोला जाता है, इसी तरह इमेजिनरी नंबर के अंदर जो आयोटा है इसको यूनिट इमेजिनरी नंबर बोला जाता है। अब और इमेजिनरी नंबर कौन कौन से हो सकते हैं भाई, 2 आयोटा, 3 आयोटा, 1/2 आयोटा, जिस नंबर के साथ आयोटा आ जाए ना ये समझ लो वो इमेजिनरी नंबर है। इसी तरह -1/2 आयोटा, √2 आयोटा, √3 आयोटा, ये सब नंबर क्या कहलाए जाएंगे, इमेजिनरी नंबर कहलाए जाएंगे। सही, कहां से आए, इस इक्वेशन से आए। तो अब आप इस इक्वेशन का सॉल्यूशन लिख सकते हो, आप क्या कह सकते हो कि एक्स का आंसर क्या है, +-i/i। तो मसला आपने देख लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर की क्यों जरूरत पड़ी। अच्छा अभी तक मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर रियल और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर मैंने आप लोगों को बता दिया कि इमेजिनरी नंबर कहां से आए, ये मसला हो गया था हमारे पास, तो हमें एक नया नंबर इंट्रोड्यूस करना पड़ा, हमने उनको बोला इमेजिनरी, जो कि आप लोगों के सामने लिखे हैं, ठीक है। और इमेजिनरी नंबर की जनरल फॉर्म क्या होती है, जनरल फॉर्म आप ये समझ लो ये होती है बी आयोटा, वेयर बी जो है वो कोई भी रियल हो। जैसे आपने देखा था ना बी का मतलब जो आयोटा के साथ लिखा हुआ वो कोई भी रियल हो सकता है ना, जैसे 2 आयोटा 3 आयोटा, -1/2 आयोटा, √2 आयोटा, आयोटा के साथ कोई भी रियल अगर आपके पास लिखा हुआ है तो ये पूरा जो नंबर बनता है इसको आप क्या बोलते हो, इमेजिनरी नंबर। कोई सवाल यहाँ तक? सर जो इमेजिनरी नंबर होता है उसको तो सिर्फ हम इमेजिन कर सकते हैं ना, तो फिर हम हाँ, यहाँ पर कैसे सकते हैं? हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिख कैसे सकते हैं ये लिखने का, देखो मजबूरी हमारी ये है कि हमें सॉल्यूशन लिखना है इस इक्वेशन का। हम इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए हम एक सिंबल डाल देंगे कि यार इसका सॉल्यूशन ये है। हाँ, इसके सॉल्यूशन को अगर हम ग्राफ पे ड्रॉ करें ना तो वो हमें नजर नहीं आएगा, मतलब इसके लिए जो रियल ग्राफ होते हैं ना उस पर हमें आयोटा नजर नहीं आएगा, क्योंकि रियल में आयोटा की कोई वैल्यू नहीं है, आयोटा की कोई डेसिमल वैल्यू नहीं है कि जिसको आप बोलोगे हाँ आयोटा इसके बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ इसकी लेंथ आयोटा है, आयोटा क्या होता है भाई, आयोटा सेंसिटिव बन रही है यहाँ पे। लेकिन हमने क्या किया, हमने जस्ट अपने सॉल्यूशन को लिखने के लिए कि यार अच्छा आयोटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको, ठीक है, ताकि इक्वेशन जो है वो आपकी एक काइंड ऑफ हमने सॉल्यूशन दे दिया उसका, ये वजह। लेकिन ये इतना मतलब ऐसा नहीं कि यूजलेस नंबर है, आप लोगों के लेवल पे आके मैं इस तरह समझा रहा हूँ, वरना ये बहुत काम का नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर पे पूरे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल पे जाओ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे पूरे सब्जेक्ट हैं, तो वहां पे आप इस नंबर्स की वजह से आपके मोबाइल सॉफ्टवेयर लैपटॉप जो वर्किंग कर रहे होते हैं ना जिस एल्गोरिथम पे, काफी जगह कॉम्प्लेक्स नंबर काम आ रहा होता है, खासतौर पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इस कॉम्प्लेक्स नंबर का काफी रोल अदा होता है। तो ये इतना हल्का नहीं है, लेकिन आप लोगों के लेवल पे समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने सॉल्यूशन लिखा है तो आपने इस तरह इमेजिनरी नंबर को इंट्रोड्यूस कर दिया। सही, कोई और सवाल किसी का, कोई मसला? सही, तो मेरे ख्याल में हमारी क्लास का टाइम होने वाला है, तो अभी हमने, अच्छा अब कॉम्प्लेक्स नंबर की हम कल बात करते हैं। मैंने आप लोगों को बेसिक में सारे रियल नंबर्स के बारे में बता दिया, इमेजिनरी नंबर के बारे में बता दिया, आप ये समझ लो कॉम्प्लेक्स नंबर भी देख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, अभी बाकी बातें कल देख लेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, रियल और इमेजिनरी का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो जरा आप कॉम्प्लेक्स नंबर, अब मैं आप लोगों को ट्री डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ पूरी, जरा देख लेना ट्री डायग्राम। तो अब सबसे जो ऊपर नंबर होते हैं ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, सबसे अगर आप ऊपर की बात करो ना सबसे बड़े नंबर जो आते हैं वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर तीन कैटेगरीज हैं, सबसे पहली कैटेगरी जितने भी रियल हैं उन सबको आप कॉम्प्लेक्स बोलोगे। क्यों बोलेंगे हम उसको जरा देख लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको आप इस फॉर्म में लिख सको, ए प्लस बी आयोटा, वेयर ए क्या है रियल और बी आयोटा क्या है इमेजिनरी। मतलब ऐसे नंबर जिनको आप इस फॉर्म में लिख सको, कैसे कि रियल नंबर हो और उसके साथ प्लस में या माइनस में इमेजिनरी नंबर हो। इस पूरे नंबर को
देखो ये पूरा नंबर रियल नहीं कहलाया जाएगा, ये पूरा नंबर इमेजनरी नहीं कहलाया जाएगा। इमेजनरी कितना कहलाया जाएगा? बस इतना, ये इमेजनरी है, ये इतना अगर आप बोलो रियल है। पूरे नंबर को आप क्या बोलोगे? पूरे नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर बोलोगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन कौन से होते हैं? जिसमें रियल आ गया प्लस जिसमें इमेजनरी आ गया, ठीक है। अब ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर आपका इमेजनरी में जो बी है ना, ये जीरो के बराबर हो, मतलब फॉर एग्जाम्पल ये नंबर मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ, 2 + 0 आया होगा। तो अब मैंने इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखा है, लेकिन अगर आप इसमें ऑब्जर्व करो है तो रियल ही ना, ये 2 एक रियल नंबर है। तो कहने का मतलब जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जिनमें बी जो है वो जीरो के बराबर है, तो वो क्या बन जाएंगे? वो रियल बन जाएंगे। जब बी अगर जीरो हो जाएगा तो पीछे क्या बचेगा? रियल बचेगा। इसका मतलब जितने रियल नंबर है वो सब क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी तरह जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर उसमें ए जो है वो जीरो हो जाए तो पीछे क्या बचेगा? जस्ट, मतलब आप इस तरह लिख सकते हो ना, फॉर एग्जाम्पल किसी नंबर को, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है लेकिन साथ साथ आप इसको क्या बोलोगे? इमेजनरी नंबर, क्योंकि रियल वाला खत्म हो गया, पीछे क्या बचा? इमेजनरी। इसका मतलब जितने भी इमेजनरी हैं उनको भी आप कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो। तो दो कैटेगरी तो मैंने आपको बता दी, जितने रियल हैं उनको आप कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो, जितने इमेजनरी हैं, जितने कॉम्प्लेक्स हैं उनको इमेजनरी नहीं बोल सकते, लेकिन जितने इमेजनरी हैं उनको कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो। इसको इस तरह समझो, जैसे जितने रियल हैं वो सब कॉम्प्लेक्स आप बोल सकते हो, लेकिन जितने कॉम्प्लेक्स हैं उन सबको रियल नहीं बोल सकते, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में तो बहुत नंबर आते हैं, उनमें से कुछ रियल हैं। तो आप ये नहीं बोल सकते कि जितने कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो सब रियल हैं, नहीं, लेकिन जितने रियल नंबर्स हैं उनको आप क्या बोल सकते हो? कॉम्प्लेक्स हैं। और तीसरी कैटेगरी इन नंबर्स की होती है, ए प्लस बी आयोटा टाइप की, जिसमें ना ए जीरो होता है ना बी जीरो होता है। कहने का मतलब तीन किस्म के नंबर है ना, फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है -3, एक नंबर है -3 आयोटा, और एक नंबर है कंसिडर कर लो 3 + 3 आयोटा। अब इस नंबर को तो आप बोलोगे रियल है, ये कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हो, इसको बोलोगे इमेजनरी है और कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हो, इसको क्या बोलोगे? ना ये रियल है ना ये इमेजनरी है, इसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपने देखा तीन कैटेगरी आ गई है, या तो कॉम्प्लेक्स नंबर रियल हो सकता है, या कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजनरी हो सकता है, या कुछ ऐसे भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जो ना रियल है ना इमेजनरी है। अब मुझे बताओ यहां तक क्लियर है सबको? कोई मसला? यस सर। सही। तो इन नंबर्स को तो फर्दर डिवाइड आप नहीं कर सकते, लेकिन इन नंबर्स को कर सकते हो। इसी तरह इमेजनरी को भी आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, रियल नंबर को आप कर सकते हो। तो रियल नंबर में सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को बता दिए थे रैशनल और इरेशनल। अब इरेशनल को भी फर्दर आप क्लासिफाई नहीं कर सकते, तो रैशनल को कर लेते हैं। रैशनल में दो किस्म के नंबर आते हैं, एक होती है फ्रैक्शन, होती तो सारी फ्रैक्शन है, किसी को भी आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन अगर आप क्लासीफाई करो तो एक तो होते हैं फ्रैक्शन और एक होते हैं इंटीजर्स। मतलब इंटीजर्स वो नंबर हैं जिनमें आपको डेसिमल नजर नहीं आता, फॉर एग्जांपल 2 - 2 - 4 - 5, ये डेसिमल की तरह आप लिख सकते हो, मतलब फ्रैक्शन की तरह बेशक लिख दो -2 को -2/1, लेकिन अगर हम बात करें है तो ये फ्रैक्शन नहीं ना, जबरदस्ती लिख दो चलो, लेकिन है तो ये फ्रैक्शन नहीं ना। तो कहने का मतलब आपको रैशनल नंबर में दो किस्म के नंबर नजर आएंगे, या तो वो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो आप उसको, या वो इंटीजर्स होंगे। लेकिन वही बात कि रैशनल में तो सबको फ्रैक्शन में लिख सकते हो, लेकिन ब्रॉडली अगर मैं क्लासिफाई करूँ इस तरह को, ठीक है। अब इंटीजर्स में आप क्या डिवीजन करोगे? इंटीजर्स क्या होते हैं? नेगेटिव, पॉजिटिव, नेचुरल नंबर और जीरो आप इसमें इंक्लूड कर दो। फ्रैक्शन में दो कैटेगरी होती है, एक फ्रैक्शन में होती है कॉमन फ्रैक्शन जिसको हम कहते हैं, और एक होती है जिसको हम बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। ये दो किस्म की फ्रैक्शन होती हैं। कॉमन फ्रैक्शन बच्चों जो आप लोगों ने फ्रैक्शन देखी है ना उन सबको हम कॉमन ही कहते हैं। कहने का मतलब जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटीजर हो ना, 4/5 - 2/5 कुछ भी, ये सब कॉमन कहलाई जाती है। और डेसिमल आप नॉर्मली उनको बोलते हो जिनके डिनोमिनेटर में कुछ 10 का मल्टीपल हो, मतलब 10 हो 100 हो 1000 हो 10000 हो, इन नंबर्स को नॉर्मली आप डेसिमल फ्रैक्शंस कह रहे होते हो। फॉर एग्जांपल 2 upon लिख देते हैं, 3 upon 100 क्या लिख दो, 4 upon 1000 इसको तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, 5 लिख देते हैं। तो इन फ्रैक्शन को आप नॉर्मली डेसिमल फ्रैक्शन कह देते हैं और ये कॉमन फ्रैक्शन है। अच्छा, इनको कॉमन भी बोल सकते हो आप, ये भी कॉमन में आएंगे, ठीक है। लेकिन डेसिमल इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि डिनोमिनेटर में इनके 10 की पावर्स होती है, इसलिए डेसिमल का वर्ड बोला जाता है इसके अंदर, सही। तो ये मैंने काइंड ऑफ ट्री डायग्राम आपको बना के दे दी है, थोड़ी क्लासिफिकेशन आपने देख ली, सब नंबर्स के बारे में पढ़ लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ लिया। अब हम कल बाकायदा चैप्टर नंबर 1 में जो कॉन्सेप्ट लिखे हैं ना क्वेश्चन सॉल्व करने में आप लोगों को हेल्प मिलेगी वो देखेंगे। तो कोई सवाल है तो अभी पूछ लो।